हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट्स इन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि रिलेशन 3NF में है या नहीं है। तो रिलेशन 3NF में कब होगा? तो रिलेशन इज सेट टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन 2NF, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 2NF, है ना। लोअर हायर नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या जरूरी है? लोअर नॉर्मल फॉर्म में होना। 2NF के लिए क्या जरूरी था? योर रिलेशन मस्ट बी 1NF, तो इट शुड बी इन 2NF। और सेकंड क्या कहता है? ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी की। सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन ट्रांजिटिवली मतलब डायरेक्टली प्राइमरी की पे डिपेंड होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा रिलेशन है आर ए बी सी। इस रिलेशन में इफ एफ डीज आर ए डिसाइड्स बी एंड बी डिसाइड्स सी, तो वेरी फर्स्ट कि इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या है? तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की है ए, बिकॉज क्लोजर ऑफ ए कंटेंस ऑल द एट्रीब्यूट्स ए बी सी, है ना, ए से बी फ्रॉम बी टू सी। तो कैंडिडेट की ए है, कंपोजिट नहीं है। तो क्वेश्चन है कि नॉन प्राइम क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट तो जो कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। तो बी एंड सी आर नॉट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, सो बी एंड सी आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। 3NF की डेफिनेशन क्या कह रही? ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड्स ऑन प्राइमरी की या कैंडिडेट की। यहां कैंडिडेट की क्या है? ए। बी इज नॉन प्राइम, डिपेंड्स ऑन ए, है ना। तो बी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ए, 3NF को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां देखिए, बी डिराइव सी, ए बी डिसाइड सी, मतलब सी डिपेंड्स ऑन बी एंड बी डिपेंड्स ऑन ए। देयरफॉर सी जो है वो ए पे डायरेक्टली नहीं डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली। ए डिसाइड्स बी एंड बी डिसाइड सी, देयरफॉर ए डिसाइड सी। तो सी इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच ट्रांजिटिवली डिपेंड्स ऑन ए, डायरेक्टली ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 3NF कहता है कि अगर ऐसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इफ सम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट की, तो रिलेशन 3NF में नहीं होगा। तो दिस रिलेशन इज नॉट इन 3NF बिकॉज सी डायरेक्टली डजंट डिपेंड्स ऑन ए, इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ए। तो ये तो हमारी एक फॉर्मल डेफिनेशन होगी कि अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो रिलेशन 3NF में नहीं होगा, है ना। लेकिन और कैसे अगर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करने में कैपेबल नहीं रहे, या कोई और इजियर वे है टू आइडेंटिफाई कि रिलेशन 3NF में है या नहीं, तो उसके नेक्स्ट डेफिनेशन है। क्या कहती है नेक्स्ट डेफिनेशन? कि रिलेशन इज इन 3NF इफ ऑल नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, आपके जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो अब सबसे पहला वर्ड तो यहां आया नॉन ट्रिवियल FDs। तो नॉन ट्रिवियल क्या होता है? जैसे अगर मैं एक FD लिखती हूँ ए डिसाइड्स ए बी, या ए बी डिसाइड्स ए लिखते, सपोज यहां अल्फा है लेफ्ट हैंड साइड, बीटा है राइट हैंड साइड, इज बीटा सबसेट ऑफ अल्फा? क्या लेफ्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट का सबसेट है? तो यस, बीटा इज द सबसेट ऑफ अल्फा, बीटा अल्फा का सबसेट है। और इफ बीटा इज द सबसेट ऑफ अल्फा, ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, है ना। तो नॉन ट्रिवियल मतलब बीटा शुड नॉट बी द सबसेट ऑफ अल्फा। ए बी डिसाइड्स ए इज अ ट्रिवियल एफ डी, ए बी डिसाइड्स ए बी इज अनादर ट्रिवियल एफ डी, है ना। तो क्या कह रहा है कि जितनी भी नॉन ट्रिवियल एफ डीज आपके रिलेशन पे होल्ड करती है, वो इन दोनों में से कम एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऑल नॉन ट्रिवियल एफ डीज दैट होल्ड्स ऑन योर रिलेशन शुड सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू कंडीशंस। क्या है वो कंडीशंस? तो कहता है या तो अल्फा सुपर की हो, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो। सुपर की क्या होती है? तो कैंडिडेट की इज अ सुपर की, या कैंडिडेट की का सुपर सेट। अगर ए बी कैंडिडेट की है तो ए बी में कोई भी एट्रीब्यूट मिला लो तो आपको क्या मिल जाएगा? सुपर की। ए बी कैंडिडेट की है तो ए बी खुद सुपर की है, ए बी सी सुपर की, और ए बी सी डी भी एक सुपर की होगी। तो कैंडिडेट की प्लस सम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स क्या बनती? सुपर की। तो 3NF क्या कहता है? आइदर अल्फा शुड बी सुपर की, और अगर अल्फा सुपर की नहीं है,
लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है तो बीटा मतलब क्या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो ही 3NF सेटिस्फाई होगा अदरवाइज नहीं। तो आइदर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ सुपर की और राइट हैंड साइड शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहां देखते हैं हमारी अपडेट्स थी, हमने देखा था कि ये 3NF में नहीं है बिकॉज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे चेक करेंगे कि 3NF में है या नहीं है। तो सबसे पहले यहां कैंडिडेट की क्या आई थी, ए प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपकी कंपोजिट कैंडिडेट की हो, कैंडिडेट की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो, या कैंडिडेट की में एक ही एट्रीब्यूट है तो कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं, ए तो खुद प्राइमरी की या कैंडिडेट की है ना, तो ए इज द कैंडिडेट की नॉट प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम जरूर है, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं वो नॉन प्राइम, तो बी एंड सी आर नॉन प्राइम। तो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है बट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है बी एंड सी, और नो प्राइम एट्रीब्यूट बिकॉज ए इज द कैंडिडेट की। अब चलिए देखते हैं क्या 3NF सेटिस्फाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन। फर्स्ट एफडी देखते हैं, ए डिसाइड्स भी क्या कहता है, आइदर अल्फा मतलब लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ए सुपर की, तो ए क्या है कैंडिडेट की, एक एक क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ रहे, ए कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की, तो फर्स्ट एफडी में लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, तब राइट हैंड साइड से मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों में से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज सुपर की इट्स ओके 3NF इज सेटिस्फाइड, तो यहां 3NF सेटिस्फाई हो रहा है। अब बी डिसाइड सी में बी इज नॉट सुपर की, कैंडिडेट की नहीं है बी, सुपर की नहीं है ना, तो बी इज नॉट सुपर की, तब सी क्या होना था प्राइम एट्रीब्यूट, अगर अल्फा सुपर की नहीं तो बीटा मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट, क्या सी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नो सी इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इन सेकंड एफडी दोनों ही कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, क्या कहती या तो लेफ्ट कैंडिडेट की या सुपर की हो या राइट प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो यहां लेफ्ट सुपर की भी नहीं है और राइट प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, देयरफॉर दिस एफडी इज वॉलेटिंग 3NF, therefore this relation is not in 3NF. तब हम कुछ और example practice करते हैं कि relation 3NF में है या नहीं, okay? चलिए, तो आपको relation दिया है, C decides R A B C D और F D is C decides D, C decides A and B decides C. इस relation की candidate की क्या है? तो candidate की of this relationship is B. Because closure of B contains from B it is C, from C it is D and from C it is A. So closure of B contains all the attribute of the relation. इसलिए B is the candidate key of this relation. Prime attribute, तो no prime attribute because candidate key composite नहीं है, एक से ज्यादा attribute वाली नहीं है। अगर candidate की आपकी A B आती तो A is a prime attribute, B is a prime attribute. लेकिन कैंडिडेट की कंपोजिट नहीं है तो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम कौन है ए सी डी, दिस आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो और बी इज कैंडिडेट की, देयरफॉर इट इज सुपर की है ना, एवरी कैंडिडेट की सुपर की, क्या ये रिलेशन 3NF में है? तो हम एक एक करके अपडेट्स चेक करते हैं। 3NF की डेफिनेशन कहती है आइदर अल्फा शुड बी सुपर की और बीटा शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट। फर्स्ट एफडी में क्या सुपर की है, तो सुपर की बी या बी के साथ कोई और एट्रीब्यूट, बी सी बी डी बी ओनली बी, ये सुपर की होते हैं। यहां लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है, तब क्या राइट प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नो यहां तो प्राइम एट्रीब्यूट ही नहीं इस रिलेशन में, बी सुपर की या कैंडिडेट की और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो सी डिसाइड्स डी इज वायलेशन ऑफ 3NF. Therefore, this relation is not in 3NF. Okay? Exam में तो इतना ही हो गया आपके लिए, sufficient है answer के लिए कि not in 3NF. लेकिन हम further practice के लिए कि है या नहीं, क्या C decides A 3NF को satisfy कर रही है? तो same वही case. क्या C super key है? तो super key के लिए कम से कम एक attribute B तो चाहिए था. B के साथ कुछ और attribute होता तो भी चलता. तो C is not a super key. तब A prime attribute भी नहीं है. प्राइम एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, तो ये भी 3NF वायलेशन है. क्या बी डिसाइड सी 3NF वायलेशन है? नो.
यहाँ बी सुपर की है ना, एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, तो बी सुपर की, दोनों में से एक होनी थी सेटिस्फाइड, कम से कम एक अल्फ लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, तो बी डिसाइड सी सी एन एफ थ्री एन एफ को सेटिस्फाई कर रही है, रिमेनिंग टू एफ डीज आर वॉयलेटिंग थ्री एन एफ, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट इन थ्री एन एफ। ओके, कोई भी एक एफ डी ऐसी मिल गई जो थ्री एन एफ को वॉयलेट करे, रिलेशन थ्री एन एफ में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, वेदर दिस रिलेशन बी डिसाइड सी एंड डी डिसाइड से इज वॉयलेशन ऑफ थ्री एन एफ और इट इज सेटिस्फाइंग थ्री एन एफ, तो वॉट इज कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, तो यू विल सी कि क्लोजर ऑफ बी डी, बी डी के क्लोजर में ए बी सी डी सभी आ जाएंगे, बी डी के क्लोजर में खुद बी डी आया, फ्रॉम बी इट इज सी, फ्रॉम डी इट इज ए, तो क्लोजर ऑफ बी डी कंटेंस ए बी सी डी। ठीक है, अब यहां कंपोजिट कैंडिडेट की है ना, एक ही कैंडिडेट की आ रही है, आपको सारी फाइंड करनी है, यर इट इज ओनली वन कैंडिडेट की बी डी, तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन हो गए बी एंड डी, और नॉन प्राइम कौन हो गए, तो एक्सक्लूडिंग बी एंड डी ऑल एट्रीब्यूट्स आर नॉन प्राइम, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर सी एंड ए। चलिए अब क्या ये रिलेशन थ्री एन एफ में है, तो क्या कहते हैं थ्री एन एफ, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सुपर की और राइट हैंड साइड शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट, क्या बी सुपर की है, नो सुपर की तो कम से कम मिनिमम स्मॉल है सुपर की बी डी, बी डी इज कैंडिडेट की, एवरी कैंडिडेट की सुपर की, और बी डी में मैं या कोई भी एट्रीब्यूट मिला लूंगी तो अनादर सुपर की, तो सुपर की के लिए मुझे कम से कम दो एट्रीब्यूट चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे बी डी, यहाँ बी डी नहीं सिर्फ बी है, तो ये डी में लेफ्ट हैंड सुपर की नहीं है। थ्री एन एफ क्या कहता है कि अगर लेफ्ट सुपर की नहीं हो तो राइट प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या सी प्राइम एट्रीब्यूट है, नो सी तो नॉन प्राइम है, तो बी डिसाइड सी में नाइदर लेफ्ट हैंड साइड इज सुपर की नॉर राइट हैंड साइड इज प्राइम एट्रीब्यूट, देयरफॉर इट इज द वॉयलेशन ऑफ थ्री एन एफ, तो दिस रिलेशन इज नॉट इन थ्री एन एफ, ये तो हो गया डिसाइड। हम सेकेंड एफ डी को ट्राई करते हैं, क्या डी डिसाइड से थ्री एन एफ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली डी सुपर की नहीं है, सुपर की इज बी डी, एटलीस्ट बी डी होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, एटलीस्ट बी डी होना चाहिए, देन ओनली वी आर हैविंग सुपर की, तो यहाँ लेफ्ट पे सुपर की नहीं है, और ए इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट, ए तो नॉन प्राइम है, तो बोथ दिस एफ डीज आर वॉयलेटिंग थ्री एन एफ, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट इन थ्री एन एफ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं, आपको ये रिलेशन दिया और आपसे पूछा क्या ये थ्री एन एफ में है, तो डेफिनेटली यहां कैंडिडेट की क्या दिख रही है, आपको दिख रहा है कि ए बी सी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे ना, ए बी सी तो आई और फ्रॉम ए बी सी इट इज डी, तो व्हाट आर प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो ए बी सी आपकी कैंडिडेट की है, तो ए इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, बी इज अनादर प्राइम एट्रीब्यूट, सी इज अनादर प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन प्राइम क्या है, तो जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो डी इज नॉट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, देयरफॉर डी इज नॉन प्राइम। ओके, तो थ्री प्राइम एट्रीब्यूट्स ए बी सी इज कैंडिडेट की, देयरफॉर सुपर की, एंड वन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी। अब लेट चेक्स रिलेशन थ्री एन एफ में है या नहीं, तो यहां ए बी सी अल्फा लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम अल्फा कहते हैं ना, अल्फा डिसाइड्स बीटा, यहां लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सुपर की, ए बी सी इज कैंडिडेट की, ए बी सी मिलकर कैंडिडेट की बन रही है, और एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है तो थ्री एन एफ सेटिस्फाइड, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी डिसाइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है, डी तो प्राइमरी की का भी पार्ट नहीं है, तो क्या कहता थ्री एन एफ, या तो लेफ्ट सुपर की हो या राइट प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो डी इज नॉट अ सुपर की, तब ए क्या होना चाहिए, ए इज प्राइम एट्रीब्यूट, या ए इज प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये एफ डी भी थ्री एन एफ को सेटिस्फाई कर रही है ना, लेफ्ट इज नॉन प्राइम, मतलब लेफ्ट इज नॉट कैंडिडेट की, नॉट सुपर की, बट राइट इज प्राइम एट्रीब्यूट, तो बोथ द एफ डीज आर सेटिस्फाइंग थ्री एन एफ, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इन थ्री एन एफ। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, आपको अगेन रिलेशन दिया ए बी सी डी विद द एफ डीज, ए डिसाइड्स बी, बी डिसाइड्स ए, ए सी डिसाइड्स डी एंड बी सी डिसाइड्स डी, ये 3NF में है या नहीं। तो आपको क्या फाइंड करना है, सारी कैंडिडेट की, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यू टू फाइंड ऑल द कैंडिडेट कीज। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिए थे उनमें सिंगल कैंडिडेट कीज थी, इन दिस एग्जाम्पल वी आर हैविंग मोर देन वन कैंडिडेट की, तो यू विल सी कि यहाँ दो कैंडिडेट की आ रही, एक ए सी और दूसरी बी सी। ए सी के क्लोजर में ए सी तो आई गई, फ्रॉम ए इट इज़ बी और फ्रॉम ए सी इट इज़ डी, तो ए सी के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं और यू विल फाइंड कि बी सी के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो कैंडिडेट कीज फॉर दिस रिलेशन इज ए सी एंड बी सी, दो कैंडिडेट की है, देयरफॉर प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए बी एंड सी, तीन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की दो, ए सी एंड बी सी, और कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो वो प्राइम होता है, तो ए बी एंड सी आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। और नॉन प्राइम कौन है, तो एक्सक्लूडिंग ए बी सी क्या बचता है, डी, तो डी इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो लेट्स सी वेदर दिस रिलेशन सेटिस्फाई 3NF और नॉट। 3NF क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सुपर की और राइट हैंड प्राइम, कोई भी एक सेटिस्फाई हो चलेगा। इन फर्स्ट एफ डी ए क्या है, सुपर की नहीं है, सुपर की के लिए ए सी या बी सी, ये दो सुपर की है या कैंडिडेट की है ना, तो कैंडिडेट की या उसका सुपर सेट होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड पे कम से कम ए सी या बी सी होता तो हम कहते सुपर की है, तो यहाँ सिर्फ ए है, तो यहाँ लेफ्ट पे सुपर की नहीं है। तब राइट में बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, तो लेफ्ट सुपर की नहीं, तब राइट प्राइम एट्रीब्यूट है ना, बी इज प्राइम एट्रीब्यूट, तो ए डिसाइड्स बी, 3NF को सेटिस्फाई करता है। चलिए लेट्स सी बी डिसाइड्स है, चेक करेंगे अगेन बी क्या सुपर की है, नो, सुपर की के लिए बी के साथ आपको सी, कम से कम सी चाहिए था, तो बी डिसाइड्स ए इज, बी इज नॉट अ सुपर की, लेफ्ट सुपर की नहीं, तब राइट का क्या होना जरूरी है 3NF में, प्राइम एट्रीब्यूट, तो ए है, ए इज प्राइम, तो इन दोनों एफ डी में लेफ्ट सुपर की नहीं है, तब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कि राइट इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये दोनों एफ डी 3NF को सेटिस्फाई कर रही है। अब नेक्स्ट है ए सी डिसाइड्स डी, ए सी में ए सी क्या है, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की सुपर की, कैंडिडेट की सुपर की होती है, तो ए सी डिसाइड्स डी में लेफ्ट हैंड इज सुपर की, देयरफॉर ए सी डिसाइड्स डी 3NF को सेटिस्फाई करता है क्योंकि लेफ्ट हैंड इज सुपर की। यहां बी सी, बी सी भी क्या ना, अदर सुपर की, तो लेफ्ट पे सुपर की, देयरफॉर 3NF इज सेटिस्फाइड, तो ऑल फोर एफ डीज आर सेटिस्फाइंग 3NF, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इन 3NF। तो ये हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड कि रिलेशन 3NF में है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि 3NF में डिकम्पोज कैसे करना, तो फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।